केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवाई की किताब माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स के अंग्रेजी और उर्दू संस्करण का विमोचन किया गया। सामाजिक संस्था सोसाइटी फॉर एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस प्रोग्राम में जिले के तमाम मुअज्जिज हस्तियों ने शिरकत की। मोहसिना किदवाई ने अपनी किताब के बारे में बताया कि उनकी ये किताब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है और इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का उनके साथ क्या व्यवहार था उसका वर्णन किया है। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो देश की साझा संस्कृति को बचाने के लिए आगे आएं, क्योंकि देश इस वक्त गलत दिशा में जा रहा है और इसे सही दिशा में लाने के लिए नौजवान ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। पहले बताया था कि मेरी किताब जो है वो इंदिरा जी के केस घूमती है। मैंने इंदिरा जी के साथ इतना वक्त गुजारा है कि मैं जो उनसे बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ उनसे समझा भी। वो जो मेरे साथ रही और मैं उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर में बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करती, लेकिन उनका जो मेरे साथ बर्ताव था वो बिल्कुल एक छोटी बहन के साथ जैसा बर्ताव बड़ी बहन का होता उस तरह का था। तो मैं उनको हमेशा याद ही करती हूँ, करती रहूंगी जिंदगी भर, इसलिए कि उनके साथ जो मैंने वक्त गुजारा, मैंने उसी की जितनी छोटी बड़ी वाकयात है उसे लिखे। मोहसिना किदवाई ने अपनी आत्मकथा माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स को बाराबंकी के मुगल दरबार हॉल में लॉन्च किया। किताब के अंदर हिंदुस्तानी सियासत और मेरी जिंदगी को लेकर अपने पहले पेज पर यह किताब मैंने अपने शौहर मरहूम खलीलुर रहमान किदवाई के नाम वक्फ करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे अपने ख्वाबों की तरफ प्रवास करने और कौम की खिदमत करने की तरगीब दी। खलील अहमद, आपकी रूह हमेशा मेरे साथ रह रही है, ये लिखा। ये तारीखी एक शहर है, तारीखी कस्बा है शहर, और यहाँ के नौजवानों को इसकी तारीख पढ़ना चाहिए, बहुत रिच तारीख है। यहीं से बेगम हजरत महल गुजरे थी और जमुनिया के नाले से गुजरी थी, वहाँ जब बड़े वो थे अपने पूर्णिया साहब, जब उन्होंने फंक्शन बुला के किया था। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया, अमीर हैदर, पंडित राजनाथ शर्मा, मौलाना खालिद रशीद, फिरंगी महली, अनवर महबूब और संस्था के अध्यक्ष उमेर किदवाई आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। नेहरू का आज आप देखिए, जो संस्थाएं नेहरू के जमाने से चली आ रही थी, आप डेमोक्रेसी जितनी भी जो पब्लिक अंडरटेकिंग थी कि उनको बनाई गई थी, इसलिए तो बनाई गई थी कि पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो जॉब पैदा करेंगी और जो बड़े बड़े कारखाने वो भी बहुत ऐसे वो रॉ मटीरियल तय करेंगे पैदा करेंगे, दोनों चीजें साथ मिलकर चलेंगी। लेकिन आज आप ये देखिए कि क्या उनमें से कोई चीज डेमोक्रेसी को खत्म ही हो रहा है। ये पार्लियामेंट तोड़ के आप नहीं बना लीजिए तो उससे क्या हिस्ट्री खत्म हो जाएगी? लोग नेहरू का नाम तो दुनिया की हिस्ट्री में लिखा हुआ तो कैसे भूलिए। मैम, कितना वक्त लगा आपको इस किताब को लिखने में, इसका वो बनाने में? देखिए, बहुत मैंने इसकी जो रिकॉर्डिंग कराई वो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी है, बहुत मशहूर है दिल्ली की, वहाँ मैं गई थी। वहाँ मिसेस प्रसाद देखती हूँ, शॉर्ट डायरेक्टर थी, तो मैं ये अपने गवर्नमेंट के वक्त की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त उन्होंने मैंने सारी रिकॉर्डिंग वहाँ कराई और उसको कंपाइल किया उन्होंने हम लोगों ने, और फिर मैंने रशीद को कहा कि भाई रशीद अब तुम आओ, तुम्हारा काम है इसको कंपाइल करके इसको शेप में ले आओ। तो रशीद ने बहुत मेहनत की, बेहद मेहनत की, और उन्होंने ये आज का दिन दिखाया कि आप उर्दू में भी है और हिंदी में भी ऑफर कॉलिंग जिसका तर्जुमा कर रहे हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी।